वालेकुम नाजरन मैं हूँ जाहिद परवेज़ आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाजरन ने वफाकीकूमत के बजट के बाद के पी के हूमत भी बजट पेश कर दिया एक तरफ वफाकीकूमत ने बजट में अवाम पर कैर डालना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ के पी के हकूमत नेवाम को रिलीफ देकर बजट पेश कर दिया और ये सबित कर दिया है कि के पी के की आवाम का पी टी आई को चुनना ठीक फ़ैसला था हुकोमत के पी के ने जहाँ सेहत कार्ड में बजट में इजाफा किया वहीं साथ तलीम और राशन सांस में भी लोगों को इमदाद देने के लिए सस्ते आटे और दीगर चीज़ों के लिए रिलीफ देने का बजट पेश किया है नाज्रीन के पी के को मत को तनख्वाहों की खुशबरी भी सुना दी है और बजट ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री के मुताबिक तनख्वाहों में भी इजाफे का एलान कर दिया है जो सरकारी मलाजमी है इनकी तनख्वाहों में नाजरी इजाफ़ा किया जाएगा हुकूमत ने बजट में सूबे के मुलाजमीन को रिलीफ दिया है बजट तकरीर के मुताबिक के पी के मुलाजमीन की तरफ से दर्ज जेल को तरजीह दी गई है सरकारी मुलाजमी की तनख्वाह में सोलह फ़ीसद इजाफा और पेंशन में पंद्रह फ़ीसद इजाफा कर दिया है और पुलिस की मलाजम जो बी पी एस सिक्स से बी पी एस सिक्सटीन के मुलाजमीन के लिए रिस्क अलाउंस का भी बजट पेश किया गया है बजट में दीगर रिलीफ में रेस्क्यू और महकमा जंगलात के अमले की, की तनख्वाहों में पंद्रह फीसद इजाफी इजाफा पुलिस शुदा के पैकेज में भी इजाफा कर दिया है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टमेंटाइजेशन एग्रेक्स एक अलाउंस के बजाय परफॉर्मेंस अलाउंस का भी रिलीफ भी शामिल कर लिया है अधीन पेंशन में भी असलाहत की गई हैं जिसमें अगर पचास हज़ार तनख्वाह है तो उसमें कुछ रकम बतौर पेंशन कंट्रीब्यूटर पेंशन के तौर पर काटी जाएगी इसके अलावा दीगर रिलीफ में नाजरीन यकम जुलाई को छः सौ पचहत्तर नए डॉक्टर की भर्ती और एन टी एस अठावन हज़ार उस कोकम जुलाई को रेगुलर कर दिया जाएगा और सरकारी मुलाजमीन के लिए दस मिलियन तक की तिबी सहूलियात जिसमें ओ पी डी की सहूलियत में मौजूद है उसका भी ऐलान कर दिया गया है नाजरीन के पी के, के बजट ने आवाम को के लिए रिलीफ ही रिलीफ है और के पी केकूमत ने यह बजट पेश करके सबित कर दिया है कि वो अवाम की खैर ख्वा है और इस बजट से अवाम को नाजिन काफ़ी फ़ायदा होगा नाजिन इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल का जरूर रहिएगा चाहे चैनल को सब्सक्राइब और बेग को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आसानी आप तक पहुँचती रहें